हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीवन। तो चलिए, आज आप लोगों का टेस्ट है। तैयारी आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली होगी, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन, ध्यान से देखिए। वह कौन सा सदन है जिसको विघटित नहीं किया जा सकता? वह कौन सा सदन है जिसको विघटित नहीं किया जा सकता या भंग नहीं किया जा सकता? लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से चारों में से कौन सा आपका सही होगा, आंसर लगाओ फटाफट। तो आप लोगों ने लगा लिया है, आंसर क्या है इसका? बिल्कुल, लोकसभा जो है इसको विघटित किया जा सकता है, विधानसभा को भी किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद जो है वो है क्या है, उच्च सदन है, तो विधान परिषद को विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री? तो देखिए, यहां पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा कि राज्यपाल जो है जिसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाते हैं? उपमंत्री, उप प्रधानमंत्री, अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष या संसदीय सचिव? तो देखिए, यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या रहने वाला है, याद रखना है कि प्रधानमंत्री जो है वह संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन फोर, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट, सेंट्रल काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो राज्यसभा को पहले क्या बोलते थे, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था, तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर लगाइए ए, बी, सी या डी। और अंत में आपको बिल्कुल बताना है कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने सही किए हैं। तो आंसर इसका होगा, देखिए याद रखिए, यहाँ पर राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन जो है काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो स्टेट जो है यह शब्द ही आप लोग याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वह राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था। सत्र अवसान से तात्पर्य है सत्र बुलाना, सत्र को समाप्त करना, सत्र का संचालन करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का सही उत्तर क्या होगा, आंसर क्या होगा यहाँ पर कि देखिए, सत्र अवसान। ठीक है, अवसान का मतलब क्या होता है, समाप्त करना होता है, आंसर क्या है, सत्र को समाप्त करना। भारत की न्यायपालिका का स्वरूप है, ऑप्शन देखिए, एकीकृत, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत या विस्तृता? तो इन चारों में से सही उत्तर क्या रहेगा, भारत की न्यायपालिका का स्वरूप है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही उत्तर क्या रहेगा, आंसर रहेगा बिल्कुल ऑप्शन ए, एकीकृत। निम्न में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या उच्चतम न्यायालय? तो क्वेश्चन नंबर सेवन का सही आंसर क्या रहेगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या उच्चतम न्यायालय, जिसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं? तो आंसर रहेगा
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, महान्यायवादी को, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री? तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री। तो अंतिम अधिकार जो है वह किसे प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने का। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या रहेगा? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संविधान का अभिरक्षक, संविधान की व्याख्या, इसका अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। संघीय मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? संघीय यानी कि जो केंद्र के मंत्री हैं, वह किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो यहां पर आंसर रहेगा कि जब केंद्रीय मंत्री जो होते हैं उनको नियुक्त जो है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, तो इन्हीं के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, सरकार के कितने स्तर हैं? 1, 2, 3 या 4? तो क्वेश्चन 10 का सही आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा इसका सही बिल्कुल ऑप्शन बी, 2। ठीक है, सरकार के 2 स्तर हैं, केंद्र पर केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर। ठीक है, यहाँ अंग अगर पूछा होता तब आपका आंसर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता। क्वेश्चन 11 है, 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए? के वेणुगोपाल, राजीव महर्षि, वीरेंद्र कुमार या ओम बिरला? तो अभी देखिए जो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि पहले राष्ट्रपति या वर्तमान के राष्ट्रपति, पहले लोकसभा अध्यक्ष या वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, पहले और वर्तमान, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? वीरेंद्र कुमार। अब ये प्रोटेम स्पीकर जो है उनका क्या कार्य होता है? इनका कार्य होता है कि जो केंद्र में मंत्री होते हैं तो उनको शपथ दिलाना। ठीक है, शपथ दिलाने का काम जो है वह प्रोटेम स्पीकर का होता है, और पहली अध्यक्षता करना। उसके बाद जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? वो स्पीकर करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। तो इनका केवल स्टार्टिंग में ही काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12 है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है, यह संदर्भ संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 78? तो जो आपके चैप्टर में अनुच्छेद आए हुए हैं वो तो आप लोगों को याद ही रहने चाहिए। यहाँ आंसर जो होगा अनुच्छेद 53 होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 जो है वो कहता है कि देश का राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति प्रतीक है लोकतंत्र का, गणतंत्र का, संसदीय व्यवस्था का या अध्यक्षात्मक व्यवस्था का? तो यहां पर क्या रहेगा आंसर? जिसको नहीं भी आता है तो वो लोग लगा सकते हैं इसका सही आंसर, कि हमारे
जब 26 जनवरी को झंडा जो है वो कौन फहराते हैं, ठीक है, क्योंकि उस वक्त गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाता है, तो राष्ट्रपति जो है वो प्रतीक है गणतंत्र का, ठीक है। यहाँ प्रधानमंत्री होता तो आपका आंसर लोकतंत्र हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखिए, कानून निर्माण करने वाला सरकार का अंग है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या उपरोक्त सभी। तो कानून निर्माण करने वाली सरकार जो है वो इसमें से कौन सी है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है या न्यायपालिका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या रहेगा, व्यवस्थापिका। कानून निर्माण करती है व्यवस्थापिका और इनको लागू कौन करती है, कार्यपालिका। राष्ट्रपति की योग्यताओं में सम्मिलित नहीं है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य हो, भारत का नागरिक हो। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो यहां पर देखिए भारत का नागरिक हो, यह तो योग्यताओं में शामिल है, लाभ के पद पर ना हो यह भी शामिल होता है, बाकी आपके बचते हैं ऑप्शन ए और सी। तो राष्ट्रपति की योग्यताओं में शामिल है कि उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष हो, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, ठीक है। अब क्या बच गया, ऑप्शन नंबर सी बच गया, लोकसभा का सदस्य हो, तो ये सम्मिलित नहीं होगा। यहाँ पर लिखा होता कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो यह भी ऑप्शन आपका सही हो जाता। भारतीय संविधान के संदर्भ में असत्य है, अध्यक्षात्मक, गणतंत्रात्मक, संसदात्मक या संघात्मक, तो इसमें से कौन सी गलत है भारतीय संविधान के संदर्भ में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर जो है वो फटाफट से लगाओ सभी, तो यहां सही आंसर जो है वो क्या रहेगा, अध्यक्षात्मक, ठीक है। भारतीय संविधान में अध्यक्षात्मक जो है यह नहीं है, ठीक है। गणतंत्रात्मक है, संसदात्मक है और संघात्मक है, ठीक है। संघात्मक का अर्थ क्या है कि तीन विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए, और संसदात्मक का अर्थ क्या है कि इसके तीन अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 18, हमारे देश में नाममात्र की कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या होगा कि हमारे देश में नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका में देखिए प्रधानमंत्री भी आते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं और मंत्रिपरिषद भी आती है, और मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो कार्य जो है वो वास्तव में किसके द्वारा होता है कार्यपालिका में, उस मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। तो नाम मात्र की कार्यपालिका जो है वो किसको कहेंगे, राष्ट्रपति को। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, प्रधानमंत्री के, केवल लोकसभा के, केवल राज्यसभा के या सर्वोच्च न्यायालय के। तो केंद्र की जो शासन प्रणाली है उसमें जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर लगाइए, ए, बी, सी या डी।
क्या रहेगा सही आंसर? तो देखिए यहां पर आंसर जो है वो सही रहेगा केवल लोकसभा के प्रति, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा का जब तक विश्वास प्राप्त है मंत्रिपरिषद बनी रहती है, और अविश्वास आने पर पूरी मंत्रिपरिषद जो है प्रधानमंत्री सहित उनको त्यागपत्र देना होता है। और यहाँ सामूहिक ना आकर अगर व्यक्तिगत आता कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तब आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 20 लोकसभा के संदर्भ में गलत है। क्या गलत है? निम्न सदन, प्रथम सदन, स्थायी सदन या जनता का प्रतिनिधि सदन? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो। इसका सही आंसर क्या है? आंसर है स्थायी सदन, ठीक है, जो कि राज्यसभा होती है। क्वेश्चन 21 है, राजस्थान में निर्वाचित विधायकों की संख्या है 125, 200, 10 या 135? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो है वो क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है कि राजस्थान में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं या कितने निर्वाचित विधायकों की संख्या है? क्या है? 200 है, ऑप्शन बी। निशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ क्या रहेगा? यहाँ आंसर जो है वो सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 में, कि जब हमारी संसद के तीनों अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनके द्वारा ही कोई भी अधिनियम बनता है, ठीक है। तो निशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है वो किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संसद के द्वारा, ठीक है। पहले लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ये क्या बन गया था? अधिनियम। भारतीय संसद से तात्पर्य है लोकसभा, लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति, लोकसभा एवं प्रधानमंत्री। तो देखिए इतना आसान क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, भारतीय संसद से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद तो आपको सही उत्तर मिल ही गया है। आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किसी का भी ये आंसर जो है वो गलत नहीं हुआ होगा। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? एक व्यक्ति एक मत, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, लिस्ट सिस्टम या आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार? तो आंसर जो है वो क्या है क्वेश्चन 24 का? तो यहां पर तो आंसर रहेगा यहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार। वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? 15वीं, 16वीं, 17वीं या 18वीं? तो क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का? वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? 15वीं, 16वीं, 17वीं या 18वीं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का, 17वीं लोकसभा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 26, भारतीय संसद का स्वरूप है। तो एक ही क्वेश्चन जो है वो बहुत तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। भारतीय संसद का स्वरूप है एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, त्रिसदनात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारतीय संसद का स्वरूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी,
सदनात्मक, तो सभी का सही हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे इसी वक्त पूछ रही हूँ, टाइप नहीं किया है। राजस्थान में जो विधानमंडल है उसका स्वरूप है एक सदनात्मक, द्वि सदनात्मक, त्रिसदनात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान में विधानमंडल का जो स्वरूप है वो क्या है। तो आंसर उसमें क्या रहेगा, आंसर रहेगा एक सदनात्मक। ठीक है, एक ही सदन है, विधानमंडल है, विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 27 में क्या है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदक किसके सदस्य होते हैं। संसद, विधानसभा, विधान परिषद या निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु जो 100 प्रस्तावक होते हैं, फिर उनका अनुमोदन करते हैं 100, वो किसके सदस्य होते हैं। संसद के होते हैं, विधानसभा के होते हैं, विधान परिषद के होते हैं या निर्वाचक मंडल के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या रहेगा, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 28, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, संसद द्वारा निर्धारित, शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या निर्वाचित तो होने के तुरंत बाद। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वह क्या होता है, 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, ऐसा होता है क्या? संसद द्वारा निर्धारित, तो संसद द्वारा निर्धारित कैसे हो सकता है क्योंकि उसमें तो राष्ट्रपति स्वयं ही शामिल होते हैं। निर्वाचित होने के तुरंत बाद, तो देखिए आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा कि जब उन्होंने शपथ ली है उस समय से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 29, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है। तो इसके ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 243 जेड ए, अनुच्छेद 243 जेड डी, अनुच्छेद 243 जेड बी या अनुच्छेद 243 जेड सी। तो इतना तो हमें पता है कि अनुच्छेद 243 में जो स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में वर्णन है। तो यहां सही आंसर क्या रहेगा, तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 जेड बी। नेक्स्ट देखिए 30 क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल होता है निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, स्थायी होता है या उपरोक्त सभी। लोकसभा का कार्यकाल होता है निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, अस्थायी होता है, सी है स्थायी होता है या उपरोक्त सभी होता है। तो उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकता, तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, लोकसभा का कार्यकाल होता है। तो देखिए लोकसभा जो है उसका विघटन होता है, तो यह निश्चित तो नहीं होगा, जब निश्चित नहीं है तो स्थायी भी नहीं होगा। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, अनिश्चित। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, 31 क्वेश्चन में निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या उपराज्यपाल। किसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या उपराज्यपाल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो है वो किस किस का सही रहने वाला है, तो ऑप्शन ए जो है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं या नहीं करते, राज्यपाल की करते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री की भी करते हैं, राज्यपाल की भी करते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं तो वहां उपराज्यपाल की भी करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है
उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं, राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 32 है, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष या 27 वर्ष? तो ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, यहाँ सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। तो देखिए यहाँ ग्राम सभा होता, ग्राम सभा के लिए सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, जो भी वोट डाल सकते हो, ठीक है। और लोकसभा और विधानसभा उसके लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पर विधान परिषद और राज्यसभा 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 33, संसद की संयुक्त बैठक किन विधेयकों पर बुलाई जाती है? धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक या उपरोक्त सभी? संसद की संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों, इनकी जो विधेयक, किस विधेयकों पर बुलाई जाती है? तो यहां पर जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, तो साधारण विधेयक पर ही केवल संयुक्त बैठक होती है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन या 71वां संविधान संशोधन? तो वो कौन सा संविधान का संशोधन है यानी बाद में जोड़ा गया है जो अनुच्छेद में शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 35, प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति या उपराष्ट्रपति के प्रति? तो ये क्वेश्चन का आंसर जो किसी का भी गलत नहीं होगा, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी थी, हमने पहले ही क्वेश्चन में कर लिया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा, जो कि सबका ही सही होगा, क्वेश्चन नंबर 35 करके सही आंसर आपको टाइप करना है। तो देखिए आंसर रहेगा राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। 36 क्वेश्चन है, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनावों में यानी नगरीय निकायों के चुनावों में महिलाओं ने आरक्षण के कितने प्रतिशत का लाभ उठाया? 30%, 33%, 50% या 10%? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 50%, ठीक है, राजस्थान में 50% जो है वो हो गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 37, हमारे देश की वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या उपरोक्त सभी? तो बहुत ज्यादा ही सरल क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन सभी का सही रहना चाहिए। हमारे देश की वास्तविक कार्यपालिका है, वास्तव में जो कार्यपालिका कौन है, आंसर मंत्रिपरिषद, ठीक है। अब देखिए हमने पहले क्या बात की थी कि नाम मात्र के अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष कौन है, वास्तविक जो है वो कौन है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन में मंत्रिपरिषद ही दे रखा है जिसकी सहायता से प्रधानमंत्री जो है वो कार्य कर रहे हैं,
तो ऑप्शन क्या रहेगा, मंत्रिपरिषद रहेगा। यदि मंत्रिपरिषद ना होता यहाँ तो आंसर आपका प्रधानमंत्री सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखिए 38, राज्यपाल को वापस बुलाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा। तो राज्यपाल को वापस कौन बुला सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर क्या होगा, ये राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही उनको वापस भी बुला सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो अपने पद पर रहते हैं। क्वेश्चन 39, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है उपराष्ट्रपति द्वारा, निवर्तमान राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा। तो देखिए चीजें जो है वो आपने सभी पढ़ी हुई है लेकिन क्वेश्चन जो है वो घुमाकर पूछ लिया गया है, तो इस चीज को आपको समझना होगा कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो आप लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हाल ही में आंसर दिया कि राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब आंसर क्या रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आपने जो क्वेश्चन याद किए हैं बिल्कुल वही ऑप्शन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति तो नहीं होंगे, राज्यपाल द्वारा जो वर्तमान राज्यपाल है उनके द्वारा नहीं और मुख्यमंत्री के द्वारा भी नहीं, तो बचता क्या है यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है वह केंद्र सरकार, संघीय सरकार इसका अंग है, संसद का अंग है, तो आंसर क्या रहेगा, केंद्र सरकार। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित तो हुआ, 1990 में, 1991 में, 1993 में या 1992 में। तो देखिए संविधान के भाग 9, ठीक है, भाग 9 और भाग 9 क, इन दोनों में ही स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज इसका वर्णन है। और अगर हम अनुसूची देखें, अनुसूची, तो उसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची इन दोनों से संबंधित है, ठीक है। तो यहां आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, वर्ष कौन सा, 1992, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। वहीं 74वां संविधान संशोधन 1993 किससे संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से। तो ये आपका अंतिम प्रश्न था, 40 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, तो लास्ट वीडियो में 35 क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में 40 क्वेश्चन किए, ठीक है, लगभग 75 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने कर लिए। इससे बाहर जो है कोई भी चीज नहीं जाएगी आपके एग्जाम में पॉलिटी से संबंधित, बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, और सबसे प्रथम जो है वो कौन थे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष हो या प्रोटेम स्पीकर हो, तो ये चीज जो है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ, थैंक यू।